नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश सैनी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, हमारे घर के अंदर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो मामूली लगने वाली गलती से हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। जो भी काम हम करते हैं वो काम में बाधाएं आती रहती है, वो काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, कुछ गलती इतनी मामूली होती है मगर वो मामूली लगने वाली गलती ढेर सारी समस्याएं हमारे जीवन में लाती है। दोस्तों, ऐसी छोटी गलती से लक्ष्मी रुपये घर में टिकते नहीं हैं। मैंने कई घरों में ये गलती देखी है और टोका भी है कि ये गलती आप सुधार लें। हर दिन की तरह नम्र निवेदन, छोटी अपेक्षा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा यह पहला वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, जितने व्यूअर्स आते हैं वीडियो पे उतना जय श्री राम लिखा हुआ नहीं आता है। अफसोस की बात है, आधी सेकंड लगती है जय श्री राम लिखने में कमेंट बॉक्स में। भगवान राम का नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मेरी दूसरी चैनल है दिव्य टोटके। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी चैनल की लिंक और दूसरी चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वो लिंक को ओपन करें, वहाँ वीडियो देखें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान, समस्या का उपाय आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा। हर दिन दोपहर 1 बजे मैं वो चैनल से वीडियो शेयर करता हूं। दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है वो दूर करने के लिए एक छोटा प्रयास अवश्य करूंगा। अपेक्षा रखता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो लिंक ओपन करके वहाँ वीडियो देखेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, हमारा मुख्य द्वार, घर छोटा है बड़ा है, महल है झोपड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार पे कभी झाड़ू ना लगाए, कपड़े से साफ करें मुख्य द्वार को, झाड़ू मुख्य द्वार के ऊपर कभी ना लगाए, मुख्य द्वार झाड़ू से साफ ना करें। दोस्तों, कई घरों में मुख्य द्वार के पीछे एक खिड़की फिट करके रखते हैं। खिड़की बाहर से आते हैं, कपड़े निकालते हैं, मुख्य द्वार के पीछे लटका देते हैं। दोस्तों, गलती छोटी है, मामूली है, मगर ये एक छोटी गलती आपके जीवन में कई समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, आप झाड़ू से मुख्य द्वार साफ करते हैं, मुख्य द्वार के पीछे खिड़की पे आपके कपड़े पोछा वहाँ टांगते हैं, ये गलती आप सुधार ले, आपके
मैले कपड़े, गंदे कपड़े मुख्य द्वार के पीछे कभी ना टांगे। दोस्तों इतना करें, आपके जीवन की कई समस्याएं अवश्य दूर हो जाएगी। बस दोस्तों आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी भाई बहनों का शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।